सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जैसे आप सबको पता है, मैं इस बार उम्मीदवार बन के आपके सामने आया हूँ और मुझे चुनाव चिन्ह बल्ला मिला है। तो इस बल्ले से आप सब मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो मैं विकास का छक्का लगाने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ में सुजला महासत्याग्रह आंदोलन से जुड़े रहे एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल ने अपने अनेक समर्थकों तथा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। शस्त्र प्रयोग के पास स्थित चुनावी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल व उनके समर्थकों का कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और विश्वास जाहिर किया कि इतनी बड़ी टीम के कांग्रेस में आने से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, नगर अध्यक्ष रामावतार शर्मा, कांग्रेस नेता बजरंग सैन, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इदरीस कोरी, विद्या प्रकाश बागरेचा, श्रीराम मामा, असलम मौलानी, लोना राम मेघवाल समेत पंडित सहित अनेक कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करने वाले युवाओं का स्वागत किया। वहीं एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल ने कहा कि जिले की घोषणा से युवाओं और जनता में काफी उत्साह है और सीएम अशोक गहलोत की जनहित और विकास की सोच लोगों को काफी प्रभावित कर रही है। कार्यक्रम के दौरान महेश खांडन, पार्टी ज्वाइन करने वाले भगवती प्रसाद भामा, किशन लाल सोनी, विजय सिंह जोधा, ललित शर्मा, शिव कुमार बगड़ा, एडवोकेट हरीश कुमार पांड्या, मुंशी खान, जगदीश डांगिड़, गोपाल मोयल, हरि किशन, असगर रायन, शेराराम गंगवाल, महावीर शर्मा, गोपाल मेघवाल, हाकम अली, महबूब अशरफ, आसिफ रायन, देव प्रजापत, पप्पू मेघवाल, इलियास खान, देवेंद्र सहित अनेक लोग मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तिलोक जी, जो पिछले काफी समय से जो सामाजिक स्तर पर जिस तरह से पूरे सुजानगढ़ में लोगों की समस्याएं उठाते रहे, लोगों की बात एसडीएम ऑफिस कार्यालय तक, अन्य कार्यालय तक विशेष तौर से वहां बैठकर जिस तरह से पिछले काफी समय से उन लोगों की सेवा कर रहे थे, आज क्योंकि चुनावी समय है, चुनावी समय में राजनीति चुनावी होती है, राजनीतिक दल होते हैं। पूर्व में भी इनका हमेशा झुकाव कांग्रेस के प्रति रहा है और उन्होंने इस बार विधिवत फैसला किया है कि मैं इस चुनाव में कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करूंगा और अपने साथियों के साथ आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिन्होंने राजस्थान में सुशासन दिया है, जिस तरह से उन्होंने इस 5 साल में काम किया है, उसके काम को देखते हुए और हम लोगों ने सुजानगढ़ में जो पिछले 5 सालों में यहाँ काम किए और मेरे दो ढाई साल का कार्यकाल हुआ है, जिस तरह से मैंने मेरी टीम के साथ काम किया, उससे ये प्रेरित होकर आज कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया। में भी सड़क पर हमने जो हमारे साथियों ने जो संघर्ष किया, उन तमाम साथियों को मैं सल्यूट करता हूँ, सुजला सल्यूट, सुजानगढ़ सल्यूट करता हूँ। और असेंबली में जो संघर्ष माननीय विधायक जी ने किया, और संघर्ष नहीं किया बल्कि उस संघर्ष को अमली जामा पहनाते हुए इन्होंने जो जिला बनाने के मुख्यमंत्री जी की को से अपनी बात मनवाई वो काबिले तारीफ थी। और नो डाउट हमारा क्षेत्र जिला बना और ये छोटी मोटी जो कमियां हैं ये निश्चित रूप से तत्काल में अभी आने वाली सरकार जो राजस्थान में गहलोत साहब की बनने जा रही है और हम भी इसमें शुमार हैं। हम अपेक्षा करते हैं जल्दी से जल्दी कलेक्टर बैठे, एसडीएम बैठे और यहाँ जिला प्रमुख कार्यालय बने और अन्य तमाम तरीके के महकमे जिला स्तर के हैं वो स्थापित होंगे। इसी अपेक्षा के साथ हम लोग आपके साथ आए हैं। और राजस्थान ऑल ओवर की अगर बात करें तो अशोक गहलोत साहब का जो वर्तमान में रसोई गैस को सस्ता करना, 500 रुपये मात्र में करना और अन्य जो काम है जन कल्याणकारी, उनसे हम प्रभावित हैं। सुजानगढ़ शहर की लाडनू रोड स्थित चुंगीनाका के पास अपने ससुराल में 35 वर्षीय विवाहिता ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार की शाम को ही शव को बगड़िया अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। वहीं शनिवार को सुबह मृतका मंजू देवी लुहार के भाई बाबूलाल निवासी ढाका वाले ढाणी ने रिपोर्ट देकर बताया कि मेरी बहन मंजू देवी की शादी सुजानगढ़ निवासी मुकेश लुहार के साथ करीब 15 साल पहले हुई थी। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में
बाबूलाल का आरोप है कि मुकेश लोहार मेरी बहन के साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर कैलाश ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर आगे जांच की जा रही है। सुजानगढ़ शहर के प्रगति नगर स्थित वार्ड नंबर 45 में एक सुने मकान में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार श्रवण कुमार शर्मा का एक मकान सतगुरु होटल के पीछे है, जहां पर वो रहते हैं, जबकि दूसरा मकान प्रगति नगर में पिछले एक माह से सुना पड़ा था। श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि रोज दिन में हम लोग मकान को संभालते हैं। इसी के तहत उनका लड़का सुनील आज मकान को संभालने के लिए आया, जिसके बाद चोरी का खुलासा हुआ। मकान के अंदर के ताले टूटे पड़े थे, सामान बिखरा पड़ा था। श्रवण ने बताया कि चोर उसके घर से 3 भरी सोने के जेवर, 9 चांदी की जोड़ी पाजी और 80,000 रुपये नकदी चोरी करके ले गए हैं। चोर अपने पुराने जूते छोड़ गया और नए जूते पहनकर चला गया। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल प्रेमाराम मई जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस कर्मियों द्वारा आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। होटल के पीछे एक मकान है और एक ये मकान है पहले का पुराना, तो इसमें समझो कि हम रह रहे थे, उसमें रहने लग गए, तो इसमें सारे के अंदर ये चोरी हो गई। 80,000 रुपये थे नकदी, 3 भरी लगभग सोना था, 9 पाजेबा की जोड़ियां थी। अब किस पुलिस वाले को बोल दिया कि भाई इनकी इंक्वायरी करो, ये इंक्वायरी कर रहे हैं।